is arguably the most enigmatic structure on the face of the Earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड हैं और कहरिया का उपनगर गीजा के 3 पिरामिड हैं। लेकिन सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन की विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जो सबसे पुराना और आज भी अपने मौजूदा अस्तित्व में है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर पिरामिड कहते किसको हैं, पिरामिड क्या चीज़ है। पिरामिड एक स्मारक स्थल होते हैं जिसमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, पीने योग्य जो पदार्थ होते हैं वो, वस्त्र, गहने, बर्तन, वायंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि पिरामिड एक कब्रिस्तान ही का रूप है। दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह गीजा का पिरामिड है। पिरामिड का रहस्य इतना गहरा है कि इसमें वैज्ञानिकों की नींद उड़ाती है। पिरामिड का रहस्य यह है कि इजिप्शियन के लोगों ने 4000 साल पहले पिरामिड को बनाया था। पिरामिड को बनाने के लिए ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो 4000 साल पहले तो छोड़िए आज के समय में भी नहीं मिलेगी। बहुत से वैज्ञानिकों को इसे मानव की संरचना मानते ही नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि इसे परग्रही यानी कि एलियन ने बनाया है। हालांकि अभी तक पिरामिड को आधा ही समझा व परखा गया है, जिससे बहुत से रहस्य उत्पन्न हो गए हैं, जैसे कि इजिप्शियन को लोगों ने पिरामिड को कैसे बनाया होगा। पिरामिड के सामने एक मंदिर में बल्ब का चित्र मिला है जो यह कहता है कि इजिप्ट के लोगों के पास क्या बिजली और बल्ब दोनों था। पिरामिड धरती के एकदम बीचों बीच कैसे है? पिरामिड आखिर इतना परफेक्ट कैसे है? यही कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आज रहस्य बना हुआ है। तो आइए जानते हैं पिरामिड के एक एक रहस्य के बारे में। 4000 साल पहले कैसे बना गीजा का पिरामिड? इस बात को समझ गए होंगे कि 4000 साल पहले ही इजिप्ट के लोगों के पास पहिया भी नहीं था और ना ही उनके पास कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से एक पत्थर का वजन 27,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। और आपको बता दें कि आज के समय के जो आधुनिक क्रेन होते हैं उनकी कैपेसिटी मात्र 20,000 किलो से ज़्यादा नहीं होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने भारी भरकम पत्थर को इजिप्ट के लोगों ने कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए होंगे और इतनी बड़ी इमारत को कितने परफेक्ट तरीके से बनाए होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4000 मिस्र के लोगों के पास ना ही पहिया था और ना ही कोई लोहे का औजार, तो उन्होंने पिरामिड को केवल पत्थर के बने हथौड़ी और कॉपर की सहायता से कैसे बनाया होगा? कॉपर जो कि एक सॉफ्ट धातु में आता है। क्या पिरामिड को बल्ब के उजालों में बनाया गया था? जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का उपयोग हुआ था। इसे बनाने में केवल 23 साल लगे थे, तो इतिहास में पहली ऐसी चीज है जिसे इतनी बड़ी इमारत को इतनी जल्दी बना लिया गया होगा। तो ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड को बनाने का काम रात में भी होता था क्योंकि उनके पास आधुनिक बल्ब थे। अब ऐसा वैज्ञानिक सटीक तरीके से क्यों कह रहे हैं, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। दरअसल इजिप्ट के भगवान को समर्पित एक मंदिर जिसका नाम डेंडोरा लाइट कॉम्प्लेक्स है, यह मंदिर आधा जमीन में दबा हुआ था। मगर जब 1885 में इस मंदिर को खुदाई करके पूरी तरीके से बाहर निकाला गया
तब सभी के सामने जो आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। उस मंदिर में एक ऐसा चित्र मिला जिसमें आधुनिक बल्ब था, जिसे डेंडोरा लाइट कहते हैं। इतना जरूरी याद रखिए कि यह चित्र 4000 साल पहले बनाया गया था। उस समय लोगों को बिजली से जलता हुआ बल्ब के विषय में ज्ञान कहां से आया? कुछ साइंटिस्ट थ्योरी देते हैं कि उस समय लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी थी, यानी कि लाइट की सुविधा भी थी, और बिजली से चलने वाले लाइट भी थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। और आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि थॉमस एडिसन ने 142 यानी कि 140 साल पहले 27 जनवरी 1880 को बल्ब का आविष्कार किया था। तो 4000 पूर्व ये बल्ब का निर्माण कैसे हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्यमय है जो साइंटिस्ट आज तक निकाल नहीं पाए हैं, खोज नहीं पाए हैं। ओरियन करलेशन थ्योरी क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर हम रात में पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ बिल्कुल मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम आयन बेल्ट है। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं और तीनों तारे गीजा के पिरामिड से मैच करते हैं। जमीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर आपको एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी परफेक्ट आकृति बनाना, तो जो तारों के साथ मैच करे, यह काम करने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या हम ये मान लें कि इजिप्ट के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते थे, या यह काम एलियन ने ही किया है? बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इतनी परफेक्ट संरचना बनाना इंसानों के लिए आज के समय में भी असंभव है। उनका कहना है कि यह जरूर परग्रही का काम है, यानी कि किसी तीसरे शख्स एलियन का काम है, जो इन्हीं 3 तारों में से एक माना जाता है। अब पिरामिड क्या इंसानों ने बनाया है या एलियन ने, ये आज भी एक रहस्य है। पिरामिड किस लिए बना था? अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर पिरामिड किस लिए बना था, तो आपका जवाब होगा कि इजिप्ट के राजा रानी को मम्मी बनाकर उसमें रखा जाता था। पर मैं आपको कहूं कि अब तक हमने जितनी भी पिरामिड पर सर्च किया है, उसमें हमें किसी भी तरह की मम्मी नहीं मिली है। राजा के चैम्बर में राजा की मम्मी नहीं है, और ना ही रानी के चैम्बर में रानी की मम्मी है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड को किसी और चीज़ के लिए बनाया गया था। सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि आखिर पिरामिड किस लिए बना था? गीजा का पिरामिड इतना परफेक्ट कैसे? साथ में ही मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाती रहूं। गीजा का पिरामिड इतना परफेक्ट कैसे? गीजा का पिरामिड पूरी धरती के एकदम बीच में है। अगर एक लाइन धरती के ऊपर से नीचे खींची जाए और दाएं से बाएं खींची जाए, तो ठीक उसी जगह पिरामिड होगा। तो आखिर ये सवाल पैदा होता है कि 4000 साल पहले लोगों को धरती का बीच कैसा पता चला? उन्होंने इस संरचना को धरती के एकदम बीचों बीच कैसे बना लिया? एक बात और समझ लीजिए कि उस समय लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि इजिप्ट के लोगों को ये मालूम था कि धरती गोल है, और धरती का बीच कौन सा है, या इसे एलियन ने बनाया था? पिरामिड के पत्थर इस धरती में ही नहीं, आपको क्या लगता है कि पिरामिड को जिस पत्थर से बनाया गया होगा, वह कोई साधारण पत्थर है? जी नहीं, पिरामिड का पत्थर किसी भी साधारण लाइमस्टोन से सैकड़ों गुना मजबूत है, और वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर ये कहा है कि ये लाइमस्टोन का पत्थर है ही नहीं। दुनिया में इस तरीके के दूसरे पत्थर भी काफी खोजे गए, मगर पूरी धरती पर इस तरीके का पत्थर कहीं नहीं मिला। इसलिए ये कह सकते हैं कि पिरामिड का पत्थर किसी दूसरे ग्रह से आया है, ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, जो कि मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे कि खनिज के कैल्सेनाइट और एरगोनाइट से मिलकर बने होते हैं, साधारणतः इनका ग्रह निर्माण में ही उपयोग किया जाता है, और मूर्तियों आदि कलाओं के लिए भी उपयोग किया जाता है। पिरामिड का तापमान आखिर 20 डिग्री क्यों?
जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पिरामिड रेगिस्तान के इलाके में है, यानी कि इसका तापमान हमेशा 40 से 50 डिग्री में रहता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। पिरामिड के अंदर एक तरीके का नेचुरल एयर कंडीशन है और आज के समय में ऐसी बिल्डिंग बनाना हमारे लिए तो असंभव है। इजिप्ट के लोगों ने 4000 साल पहले ये काम कैसे किया होगा, जरा सोच के देखिए। महान स्फिंक्स, द ग्रेट स्फिंक्स। जितना रहस्यमय पिरामिड है उतना ही रहस्यमय पिरामिड के सामने मौजूद द ग्रेट स्फिंक्स है। इस मूर्ति का चेहरा तो इंसान का है मगर शरीर शेर का है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 73.5 मीटर लंबा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसे पिरामिड की तरह पत्थर के टुकड़ों से नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही पत्थर बड़े पत्थर को काट काट कर बनाया गया है। आप सोचिए कितना भारी पत्थर होगा, 20 मीटर लंबा और चौड़ाई में 73 पॉइंट, तो उस पत्थर को काट कर इस मूर्ति का निर्माण किया गया, स्फिंक्स मूर्ति का निर्माण किया गया है। गीजा के पिरामिड से कुछ और तथ्य हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये दुनिया का 7 अजूबों में से सबसे ऊपर आता है। 3800 सालों से यह पिरामिड दुनिया के सबसे ऊंची बनावट है, जिसे आज तक कोई इमारत पीछा नहीं छोड़ सकी। पिरामिड के नीचे चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं, ताकि उसमें से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहें। ग्रेट पिरामिड को गणित के जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना भी की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिड में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। तो ये थे दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक अद्भुत आश्चर्य पिरामिड, जो कि आज भी अस्तित्व में है। बाकी के 6 विलीन हो गए किसी कारणवश या भूकंप इत्यादि के कारणवश, लेकिन पिरामिड आज भी अपने मौजूदा हालत में और एकदम सही रूप में संरक्षित हैं। तो आज का आपको ये पिरामिड का वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज़ खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।